बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटाबेस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस स्टेज व्हाइल डिज़ाइनिंग आ डेटाबेस। जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो हमें कौन कौन से एनालिसिस के कौन कौन से स्टेजेस से जो है गुज़र के हम जो है वो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, ये स्टेप्स आज हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है तजज़िया करना। अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस। द बेसिक पर्पज़ ऑफ एनालिसिस इज़ टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द करंट सिस्टम, यानी जो करंट सिस्टम हमारा चल रहा है उसमें कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म किया, यानी उसका उसको एनालाइज करना। क्योंकि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखेंगे तो ही हम न्यू सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन कर सकेंगे। The analysis also determines what should take place in the new system, यानी एक तो existing system को भी देखना और दूसरा new system के अंदर हमारे पास क्या जो है हमने क्या design करना है उस चीज़ का examine भी analysis phase में होता है। Some important steps in analysis stage are as follows. First one is feasibility study. फिज़िबिलिटी स्टडी इज़ आल्सो कार प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इब्तदाई तहकीकात आप जिसको कह सकते हैं। इट इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम। इट डिटरमिन्स वाइदर द प्रोपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। यानी जब हम नया सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि ये जो नया सिस्टम हम डिज़ाइन करें ये अफोर्डेबल है, पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल होगा, यानी हम इसका इसके एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकेंगे, पॉसिबिलिटीज़ इसकी कितनी है और किस हद तक ये एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है वो पहले से डिफाइन होता है। इट आल्सो डिटरमिन्स द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। कौन सी चीज़ से हम इब्तदा करेंगे, ये चीज़ें जो हैं वो इस स्टेज पर देखी जाती हैं। द स्पेसिफिक फंड इज़ एलोकेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट। जब हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया कि इस चीज़ को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो स्पेसिफिक फंड जो है एक स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो उसके लिए मुख्तस कर ली जाती है। अब प्लानिंग इज़ डन फॉर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एक प्लानिंग कर ली जाती है। प्रॉपर मार्केट एनालिसिस आल्सो कंडक्टेड अलॉन्ग विद ऑल दीज एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ मार्केट एनालिसिस भी जो है वो भी परफॉर्म किया, यानी इस फीजिबिलिटी स्टडी में तमाम इब्तदाई तहकीकात पूरी कर ली जाती हैं। यानी जो प्रोपोज सिस्टम हम जो बना प्रोपोज्ड होता है जो न्यू सिस्टम हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, प्रोपोज सिस्टम क्या हम उसको उस कॉस्ट में पूरा कर लेंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा, तभी उसको नए सिस्टम को बनाने का फ़ायदा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट मतलब हमारी क्या नीड्स हैं। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट। उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हमें कलेक्ट करनी है। दीज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द पॉसिबल इनपुट्स फॉर डेटाबेस एंड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसमें हम क्या क्या इनपुट्स देंगे, तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ज़रूरियात क्या होंगी। द यूज़र डिस्क्राइब्स देयर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रपोज। और यूज़र जिसने इसको इस्तेमाल करना है वो उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स और उसके एक्सपेक्टेशंस जो है वो देता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड शेड्यूल मस्ट बी डिवेलप टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। वो कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है वो उसकी दे दी जाती है ताकि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन। तमाम कॉस्ट फैक्टर्स जो हैं वो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट होगी, सैलरीज ऑफ टीम मेम्बर्स हो गए, ये सारा कुछ जो है वो पहले से डिफाइन कर लें। प्लानिंग जो है वो पहले से
परफॉर्म कर ली जाती है। डेटा एनालिसिस, एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनालिसिस वाइल डिज़ाइनिंग। जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जिसमें DFDs बनती हैं, डिसीजन टेबल्स बनते हैं, डिसीजन ट्रीज बनते हैं, तो एनालिसिस के फेज़ में ये सब कुछ मुकम्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग क्या है। डेटा मॉडलिंग इज़ आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशंस इज कॉल्ड अ मॉडल। यानी उसके ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और उनके उनकी एसोसिएशंस, रिलेशनशिप्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेटा मॉडलिंग कहलाती है। द मॉडल हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंट, मतलब इसके अंदर तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो भी डिफाइन कर ली जाती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके कौन कौन से इवेंट्स होंगे, उनके रिलेशनशिप्स क्या होंगे, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। द डेटा मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और किस ऑब्जेक्ट का किस ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सब कुछ जो है वो डेटा मॉडलिंग में एक्सप्लेन किया जाता है। इंग्रीडियंट्स इसके कौन कौन से हैं, द ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट डेटा आइटम्स इन द डेटा मॉडल आर नोन एज इंग्रीडियंट्स ऑफ डेटा मॉडल, एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। एंटिटी क्या है, एंटिटी एनीथिंग पार्टिसिपेट इन सिस्टम, यानी जिस भी चीज़ के मुतल्लिक जो है हम सिस्टम के अंदर कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। एन एंटिटी में भी अ पर्सन, एंटिटी में भी अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग और इवेंट, यानी कोई भी चीज़ हमारे पास जो है वो हो सकती है जिसके मुतलिक हम डेटा जो है वो इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। तो एंटिटी हमारे पास एनी पार्टिसिपेटिंग थिंग ऑफ द सिस्टम, यानी जिस भी चीज़ के मुतलिक हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास एंटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल पर्सन्स में ले लें टीचर्स, प्लेयर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, ये सब कुछ। प्लेस में हमारे पास कंट्री, सिटी, कुछ इस किस्म के हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, व्हीकल्स, टॉय, यानी जिस भी चीज़ के मुतलिक डेटा आप इकट्ठा करें दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। एट्रीब्यूट, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़, यानी जिस उसकी जो खसूसियात हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट कहलाती हैं। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर बहुत सारे, देखें एक स्टूडेंट है, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो उसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। यानी जिसके ज़रिए हम जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको उसके हम खसूसियात को जो है वो, इसको हम ER मॉडल में ओवल शेप से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप हमारे पास होता है एंटिटीज़ के दरमियान, एक ताल्लुक जो होता है, कनेक्शन जो होता है वो हमारे पास, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज़ आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ कैसे रिलेट करती है, ये चीज़ हमारे पास रिलेशनशिप कहलाती है। द एंटिटीज़ दैट पार्टिसिपेट इन आर रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स, यानी जो एंटिटीज़ जैसे बुक है, बुक स्टोर के साथ रिलेट है, तो ये दो एंटिटीज़ होगी, उनका आपस में जो है वो एक ताल्लुक हो गया, तो इसको हम रिलेशनशिप कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है, देखें जैसे ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, इसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से जाहिर करते हैं। ओवल शेप जो है वो हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स, यानी उसकी बर्थडे, नेम, रोल नंबर, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर एक स्टूडेंट का एक टीचर के साथ आप दिखाएं तो वो हमारे पास एक रिलेशन, यानी दो एंटिटीज़ जब आपस में रिलेट करती हैं तो उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, मीन्स उनके दरमियान कोई कनेक्शन होता है तो हम उसको रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये एंटिटी और एट्रीब्यूट का हमारे पास कनेक्शन हो गया। थैंक यू।